So welcome to the audience of Eternal Biology. Myself Gaurav Sharma, MBA student at GR Medical College, Gwalior. So today, friends, we are going to discuss a very contemporary and recent topic from the current affairs, that is plasma therapy. कई लोगों को या खासकर जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से संबंध नहीं रखते उन्हें ये वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता तो वो इसको जाने देते हैं. लेकिन आज मैं अ मेडिकल स्टूडेंट विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन सच अ सिंपलेस्ट वे दैट ऑल ऑफ यू विल गेट इट्स कॉन्सेप्ट क्लियर. आप एक आम आदमी हो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको ये जानना चाहिए. तो अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए. 5 मिनट लगेंगे, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, प्लाज्मा थेरेपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी हम बीमार होते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है. देखिए, जैसे कि अभी भारत चीन युद्ध चल रहा है तो भारत भी अपनी जो सेना है अपनी जो हथियार है उसको कहाँ ले जा रहा है, बॉर्डर पे ले जा रहा है जहां पर टेंशन है. चाइना भी सेम कर रहा है तो वही मैकेनिज्म हमारा बॉडी भी अप्लाई करता है. ये कैसे करता है, देखिए, जैसे जब भी हम कहीं बीमार होते हैं तो जिस जगह पर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया बैठा होता है उस जगह पर हमारी बॉडी क्या करती है, हथियार लेके जाती है, अस्त्र शस्त्र लेके जाती है. और वो हमारे बायोलॉजिकल अस्त्र शस्त्र जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, जो कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर होती हैं. अब देखिए, ब्लड और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या होता है. देखिए, ब्लड जो होता है उसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं जो हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं. हीमोग्लोबिन जिनमें होता है वो सेल्स होती हैं. अगर मैं एक आपको ब्लड का एक सैंपल दे दिया, सपोज कि हमारी ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड बहता है, तो वो ब्लड किन किन चीजों से बना होगा. वो ब्लड एक तो बना होगा कुछ सेल्स से, ये रहे कुछ सेल्स, इन्हीं को हम आरबीसी बोल देते हैं, किसी को हम डब्ल्यूबीसी बोल देते हैं, है ना, ये सब सेल है. लेकिन अब इन सेल्स के अलावा जो तरल पदार्थ है, जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. उसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, तो ये जो भी बचा हुआ स्पेस है इसके अंदर क्या तैर रहा है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, दैट इज नोन एज प्लाज्मा. अब जो हमारे हथियार हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस प्लाज्मा के अंदर. खुद दिमाग लगाइए, सेना को हथियार पहुंचाने हैं तो हथियार किसके थ्रू पहुंचाएंगे, वो रेलगाड़ियों के थ्रू, वेरियस एयरप्लेन्स के थ्रू, मतलब ट्रांसपोर्ट वे में. तो ब्लड माना कि हमें एक फ्लूइड कलेक्टिव टिश्यू है, मतलब जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस, लेकिन उस ब्लड के अंदर भी जो ट्रांसपोर्टिंग का मेन साधन है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा. तो उस प्लाज्मा के अंदर फ्रेंड्स हमारी क्या होती है, एंटीबॉडीज. इट हैज एंटीबॉडीज जो कि हमारे लड़ने में हेल्प करेंगे. अब देखिए फ्रेंड्स, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जो लोग योगा करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, अच्छी आर्टिलरी डेवलप होती है, अच्छे अस्त्र शस्त्र डेवलप होते हैं उनके अंदर, उनके पास हथियार मजबूत होते हैं. जैसे कि यूएस का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, इट इज अ डेवलप्ड नेशन बिकॉज इट्स आर्टिलरी इज स्ट्रांग. तो वही बात हमारी बॉडी के अंदर भी होती है, जिसकी बॉडी जितनी इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रांग होगी, यानी जो कि फिजिकल एक्टिविटी या अपनी बॉडी की ताकत पर भी एम्फसाइज करते होंगे, उनके पास अच्छे हथियार होंगे. अच्छे हथियार मतलब अच्छी एंटीबॉडीज होंगी, तो वो कोरोना से लड़ पाएगा. और देखिए, किसी भी डिजीज के खिलाफ एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे ही वो हमारी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है. तो अब जैसे सपोज कोरोना वायरस ने हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, लेकिन अब अगर मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं, मैं योगा करता हूं, मैं एक्सरसाइज करता हूं, मैं तरह तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करता हूं, तो मेरी बॉडी यूज टू है किसके, फिजिकल स्ट्रेस के. तो मेरा एक इम्यून सिस्टम जो है, जो इन हथियारों को बनाने का जिसके पास ठेका है वो पावरफुल है, तो उसने क्या किया, कोरोना के खिलाफ अपने जो हथियार थे अच्छे से अच्छे हथियार प्रयोग किए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस कोरोना को ठीक कर लिया अपनी बॉडी से. मैंने कहा कोरोना अच्छा तू आया है, बंदूक से मैंने उसको मार दिया, तो मैं कोरोना फ्री हो गया. अब जैसे कोई व्यक्ति है जो कि एक्सरसाइज नहीं करता या जिसके पास उतने अच्छे हथियार नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, अब वो क्या कर सकते हैं, उन्हें अगर किसी से फाइट करनी है तो वो क्या करेंगे, किसी अच्छे देश से क्या लेंगे, हथियार लेंगे. वही कॉन्सेप्ट इस प्लाज्मा थेरेपी का है. प्लाज्मा थेरेपी में जैसे सपोज मैं अच्छा था, मतलब मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा था, तो मेरे हथियार अच्छे थे और मेरे उन अच्छे हथियारों की वजह से कोरोना मर गया, तो अब मैं क्या करूंगा, अपना प्लाज्मा
जहां पर मेरी हथियार है, जहां पर मेरी एंटीबॉडीज है, उस प्लाज्मा का कुछ हिस्सा निकाल के किसको दे दूंगा, उस दूसरे पर्सन को जो कि कोरोना से नहीं लड़ पा रहा। तो अब उसकी बॉडी में क्या होगा, उसकी बॉडी में मेरी अच्छे हथियार पहुंच गए तो वो कोरोना से लड़ पाएंगे, और लड़ पाएंगे तो वो कोरोना से बच पाएगा, और बच पाएगा तो आपको थैंक यू कहेगा क्योंकि एट लास्ट यू हैव सेव्ड हिज और हर लाइफ। तो इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी पर हम एम्फेसाइज भी कर रहे हैं, बिकॉज इट सेव्स लाइफ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, फुल कॉन्सेप्चुअली मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।